नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रोहित निषाद धोकरी में आज फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैं आज बताने जा रहा हूं दोस्तों कि यूट्यूबर कैसे बने या एक यूट्यूबर अपने लाइफ में क्या करें या कैसे काम करें कि वो यूट्यूबर बनने में सक्सेसफुल हो। दोस्तों तो आप लोग हमारे कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यूट्यूबर बनना है, ये आपकी भी मन में इच्छा होगी, हमारे मन में भी इच्छा था कि हमें यूट्यूबर बनना है दोस्तों, यूट्यूब पर काम करना है दोस्तों। उसके लिए बहुत ढेर सारे भाई लोग अपने मन में ख्याल रखते हैं कि हमारे पास कैमरा नहीं है, हमारे पास स्टैंड नहीं है, हमारे पास अच्छा ढंग का मोबाइल नहीं है, महंगा वाला मोबाइल नहीं है, हमारे पास जो छोटी मोटी मोबाइल है 5000 3000 6000 का, उससे क्या होगा, इसमें वीडियो अच्छा बन नहीं पाएगा। इसी तरीके से हज़ारों क्वेश्चन अपने आप से करना पड़ता है, अपने माइंड में चलता रहता है दोस्तों। लेकिन मैं ये बताता हूँ दोस्तों ना कि ये सब ख्याल जो आपके माइंड में चल रहे हैं, ये सब से दूर रहिए, ये सब अपने माइंड से निकाल दीजिए दोस्तों। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, बाकी उसके पास आपके पास कैमरा हो या ना हो, स्टैंड हो या ना हो, ब्लूटूथ माइक हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। आपके पास सिर्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आप उससे अपना यूट्यूब वीडियो अच्छी तरीके से बना सकते हो और उसमें अपना अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बना सकते हो और उसी अच्छे तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर सकते हो दोस्तों जब तक अपना सब कुछ मेंटेन नहीं हो जा रहा, मतलब जब तक अपने सब्सक्राइबर 1000 हो नहीं जा रहे हैं, अपना वीडियो अच्छी तरीके से वायरल नहीं हो रहे हैं, तब तक अपना वही सिंगल मोबाइल से काम करिए। जब धीरे धीरे करके आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद अपना एक एक सामान करके खरीदते जाइएगा। यही मैं टिप्स बताने वाला था दोस्तों। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर हाँ, मैं ये बताने जा रहा था दोस्तों, जैसे आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं या अपना वीडियो शूट कर रहे हैं ना, तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होना चाहिए। जिससे देखिए मेरे वीडियो का बैकग्राउंड देखिए कितना बढ़िया, खेत खलिहान घर द्वार मतलब अच्छे से एकदम क्लियर दिख रहा है दोस्तों। इसी तरीके से आपका भी बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर नहीं ऐसा जगह मिल रहा है तो अपने पीछे कोई पर्दा अच्छा कलर वाला लगाइए, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी हर वक्त एकदम क्लियर दिखना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जो भी बंदा देखेगा तो वीडियो को क्वालिटी देखता है, अच्छा दिखेगा तो लंबा समय तक देखेगा, नहीं दिखेगा तो बोलेगा स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा, अरे नहीं चलो दूसरा वीडियो देखते हैं, ये देखता है दोस्तों। इसलिए मैं बोलूँगा दोस्तों, आप लोग टेंशन मत करिए, आपके पास जो हो उसी में आप लोग खुश रहिए और जितना है उसी से अपना ये करियर स्टार्ट करने की कोशिश करिए दोस्तों। ये मत सोचिए कि हमारे पास महंगा वाला फ़ोन नहीं है, कैमरा नहीं है, स्टैंड नहीं है, ये सब के चक्कर में पड़ोगे तो ऐसे सालों नहीं दिन महीना साल ऐसे बीत करके बीतते जाएंगे, आप कुछ लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि आपके पास नॉर्मली फ़ोन है उससे ही अपना यूट्यूब वीडियो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जो जितना बना सकते हो, आपके डाटा के हिसाब से जितना खर्चा करना चाहते हो, आप उसी आधार से वीडियो बनाइए, अपने चैनल पर अपलोड करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास महंगा फ़ोन रहेगा, एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा, महंगा वाला रहेगा, कैमरा रहेगा, स्टैंड रहेगा, तभी हम यूट्यूब वीडियो बनाएंगे। हम ऐसा भी करके जैसा देखिए अभी हम मैं अपना यूट्यूब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अब देख रहे हैं ना अब किस तरीके से मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हैं क्या मेरे पास महंगा वाला फ़ोन है, कैमरा है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बस एंड्रॉयड फ़ोन है जो कि 4 साल पहले मैं चेन्नई में लिया था 6000 रुपये का, वो भी MI 6A मॉडल है, जानते हैं कितना पुराना मॉडल हो गया है, फिर भी अपना यूट्यूब वीडियो इसी से बनाता हूँ। और क्या करता हूँ बैकग्राउंड के लिए, देख रहे हैं ना हाथ में मोबाइल लिया हूँ, स्टैंड का काम हाथ कर रहा है, ये वाला मेरा दाहिना हाथ से पकड़ा हूँ मोबाइल, और ये पीछे बैकग्राउंड अच्छा देखा, अच्छा लुक लग रहा है, तो मैं सोचा यहीं खड़ा होकर अपना वीडियो क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों। आप लोग भी इसी तरीके से या इसी मतलब तरीकों को देख के या अपना कर आप लोग भी इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो हमसे भी बढ़िया आप बना सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपके पास जितना हो उसी में खुश रहिए और उसी में अपना काम करना स्टार्ट कर दिए, धीरे धीरे आपका पैसा बनता जाएगा या बढ़ता जाएगा, जुगाड़ होता जाएगा, तो अपना एक एक सामान करके लेते जाइएगा और तब तक अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए जो है आपके पास उसी में काम चालू कर दीजिए दोस्तों।
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो इसमें अपना मतलब सब लोग तो बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत लोग कोशिश करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग होते हैं महीना दो महीना ट्राई करके छोड़ देते हैं, और बहुत लोग जिद कर लेते हैं कि नहीं भाई मुझे यूट्यूबर बनना है, सोशल मीडिया में हमें अपना हक जमाना है, सिक्का जमाना है, तो लोग टिके ही रहते हैं दोस्तों। लाख दो साल तीन साल कुछ भी बीत जाए, कितना भी करके बीत जाए, लेकिन वो लोग छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए आप लोग भी अपने मन में ठान लीजिए, आपका जब एक्स्ट्रा समय बचता है, खाली समय बचता है, तो आप सोशल मीडिया के लिए कुछ काम करिए, अपने करियर को बनाइए। और जॉब नॉर्मली जॉब कहीं आपको मिल रहा है तो वहाँ अपना जॉब भी करिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें वीडियो सिर्फ बनाना है, आपका काम भी जो मिल रहा है वो काम करते रहिए, काम करते हुए अपना ये सोशल मीडिया पर अपना समय दीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि डायरेक्ट कोई भी बंदा आके यहाँ पॉपुलर या फेमस नहीं हो पाएगा यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम, क्योंकि उसको धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी करके चढ़ना होता है दोस्तों। वह कोई भी बंदा एक बैग ऊंचा नहीं बना है आज, मतलब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अब हम लोगों से जो बड़े बड़े क्रिएटर है यूट्यूबर है उनका देखिए, वो लोग स्टार्टिंग में अपना सब बायोडाटा बताए हैं अपने अपने चैनल पर, उनका स्टार्टिंग कैसा था, एक मतलब वो भी एक एक सीढ़ियाँ करके चढ़े हैं, तब आज जाके बड़े यूट्यूबर बने हैं या बड़े सोशल मीडिया स्पॉन्सर बने हैं दोस्तों। हाँ, तो उन्हीं का मतलब बातों को ध्यान रखते हुए, उन्हीं का मतलब नकल करते हुए हम लोग भी ऐसा एक दूसरे का नकल कर करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए